क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की क्लास में। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी चैप्टर टू कंप्लीट किए। इससे पहले चैप्टर टू हमारा कंप्लीट हो चुका है पॉलिनोमियल्स क्लास नाइन्थ का। आज वैसे हमें डिस्कस करना था चैप्टर थ्री, लेकिन कुछ क्वेरीज आई हैं और उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के मैक्सिमम चीज समझ में आ गई है। इसमें डाउट्स में फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम है और कुछ आइडेंटिटीज को लेके क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो हम कुछ क्वेरीज पे डिपेंड करेंगे और फंडामेंटली और जो थ्योरम्स हैं, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, वो रिवीजन वीडियो में ही आपको हम देंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ का सेकंड पार्ट, फैक्टराइजेशन। इसमें स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रख रहे हैं। इससे पहले की वीडियो मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, ये आइडेंटिटी है आपकी, देखा जाए इसको हम ए से यूज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और भी डिस्कशन होंगे। देखिए, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है आइडेंटिटी। देखिए, जो आइडेंटिटी हमारे पास है इसमें कहीं माइनस साइन नहीं है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें दो जगह माइनस दिख रहा है। एक तो माइनस आपको यहां पे दिख रहा है और एक माइनस यहां पे दिख रहा है। दो जगह माइनस दिख रहा है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट जेड स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स वाई प्लस फोर रूट टू वाई जेड माइनस एट एक्स जेड। देखिए, इसको इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, यहां पे दो जगह माइनस दिख रहा था, मैंने आपको बताया था, एक एक्स वाई के साथ। स्टूडेंट्स, इसको बहुत कायदे से समझिएगा। यहां पर दो जगह माइनस है, एक एक्स वाई के साथ है, एक एक्स जेड के साथ। इसमें कॉमन क्या है? एक्स। क्या है? एक्स है, यानी एक्स को हम निगेटिव ले लेंगे। क्या करेंगे? एक्स को निगेटिव लिख लेंगे। और ये देखा जाए तो टू को हम क्या लिख सकते हैं? रूट टू का स्क्वायर। और निगेटिव कर रहे हैं तो माइनस रूट टू एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? और y को आप वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, y स्क्वायर। फिर देखिए, एक्चुअल में टारगेट क्या है? इसको इसको a का स्क्वायर या b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। 8z को क्या लिख सकते हैं? देखिए, 8 को हम लिख सकते हैं टू रूट टू और z इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट टू का स्क्वायर 2, 4 टू जा 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आइडेंटिटी पे आइए, प्लस टू आपको ए मिल चुका है, ए की वैल्यू क्या है? माइनस रूट टू एक्स, और बी की वैल्यू वाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी इंटू सी प्लस टू सी इंटू ए। अब आप देखिएगा जो क्वेश्चन में है क्या वो चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। माइनस रूट टू का स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर टू रूट टू का स्क्वायर एट जेड स्क्वायर। यहां पे देखिएगा प्लस माइनस माइनस टू रूट टू एक्स वाई। फिर देखिएगा टू टू जा देखिएगा टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर क्या आएगा? एट जेड स्क्वायर। टू प्लस माइनस इंटू माइनस टू रूट टू एक्स वाई। फिर देखिए टू टू जा प्लस फोर रूट टू वाई जेड प्लस माइनस माइनस टू टू जा फोर रूट टू टू फोर टू जा एट एक्स जेड। आपको यही चीजें मिल रही हैं। और देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए क्या लिख सकते हैं? ए
ए की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस रूट टू एक्स, बी की मतलब वाई, सी का मतलब टू रूट टू जेड। ये आपका फिफ्थ का सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। अब यहां पर आप लोग ये पूछते हो अक्सर, भाई ऐसे ने लिखा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आया कहां से है? देखिए ये मल्टीप्लाई करके ही रिजल्ट फाइंड हुआ, कहीं और से नहीं आया है। हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आइडेंटिटीज देखिए एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन ही है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब ये तो हुआ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर। अब इस ए का इंटू उस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर बी से करेंगे बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर। ए इंटू ए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, ए इंटू बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी इंटू सी बी सी प्लस सी इंटू ए सी प्लस बी इंटू सी बी सी प्लस सी स्क्वायर। देखिए पहले हम बड़े पावर को एक साथ लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर देखिएगा ए बी यहां पर है और ए बी यहां पर है, वन ए बी प्लस वन ए बी क्या आएगा टू ए बी। ऐसे ही देखिए बी सी यहां पर है, बी सी यहां पर है, बी सी वन बी सी प्लस वन बी सी टू बी सी प्लस ये आपके पास है ए सी ए सी टू सी ए या ए सी, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी आ गई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आ गया समझ में, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ आपके पास है, देखिए वेरीफाई करना एक तरीका तो यह होता है एलएचएस को सॉल्व करके हम आरएचएस ला दें, या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ला दीजिए, या कोई आइडेंटिटी को यूज करके हम ला दें। हम इसी क्वेश्चन को दो तरीके से बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे आप लोग जानते हो वी नो दैट, आपको आइडेंटिटी पढ़ाई गई है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू। क्यों स्टूडेंट्स आ रही चीज समझ में, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू। हमें वेरीफाई क्या करना है, इसी तरीके से इसको अगर हम x के फॉर्म में लिखें, सॉरी हमें जो प्रूफ करना x के फॉर्म में है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई का। देखिएगा आपको रिक्वायर क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसको एक तरफ कर दीजिए, बाकी एक्स क्यू देखिएगा हमें चाहिए क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, बाकी चीजें को ट्रांसफर कर दीजिए एक्स प्लस वाई का होल क्यू। इसको इधर ले आएंगे माइनस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई। अब ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल, देखिए एक्स प्लस वाई यहां पर भी है एक्स प्लस वाई यहां पर भी है, इसको हम कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस
वाई। जब कॉमन लेंगे तो यहां पावर थ्री थी, एक पावर बाहर आ गई, तो अंदर कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई की पावर टू, और ये आपका हट जाएगा, बचेगा क्या, थ्री एक्स वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई। नेक्स्ट स्टेप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस टू एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपकी वेरीफाई हो गई। समझ लीजिए इसी तरीके से हम ये आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, वो क्या होगा, समझ में आ गया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। आप लोग आइडेंटिटी जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें प्रूविंग एक्स के फॉर्म में करनी थी, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, बाकी ये चीजें नहीं चाहिए। इसको हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, प्लस थ्री एक्स वाई इधर आके माइनस थ्री एक्स वाई हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस वाई यहां भी है, एक्स प्लस वाई यहां भी है, एक्स प्लस वाई कॉमन लिया, यहां आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई, फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई, टू एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ये आपकी आइडेंटिटी आ गई। इसी तरीके से अगर हम इसको इस तरीके सॉल्व कर लें, सपोज दैट आरएचएस लेके करिए, आप क्या लेके करेंगे, आरएचएस, आरएचएस में हम क्या करेंगे, आरएचएस है हमारे पास राइट हैंड साइड, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपका वेरीफाई हो गया एलएचएस। स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी प्रूविंग के लिए कहता क्या है, वेरीफाई इट यूजिंग द आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली कह दिया वेरीफाई तो आप ऐसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह दें प्रूव दैट वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन बाई यूजिंग द आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, आपको इससे पहले वाले मेथड से करना पड़ेगा। तो देखिएगा इसी तरीके से मैं सेकेंड पार्ट भी डिस्कस कर दे रहा हूं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हम दोनों मेथड से वेरीफाई करेंगे। पहले मैं आरएचएस लेके करता हूं, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। देखिए एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, तो ये आपका आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दिस इज एलएचएस। वेरीफाई हो गया ये इसका, देखिएगा सेकेंड पार्ट वेरिफिकेशन हो गया। और देखिएगा इसी को हम अपने मेथड से, जैसे इससे पहले मैंने बताया अगर यूजिंग द आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब से करना है तो कैसे करेंगे, तो आप वही लिखेंगे वी नो दैट आपको आइडेंटिटी बताई गई है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। क्लियर, हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये माइनस इधर आएगा, प्लस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूरे में एक्स माइनस वाई कॉमन, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई। अब ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर थ्री माइनस टू प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये आपका वेरीफाई हो गया, आप चाहे जिस मेथड से कर सकते कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर देखिएगा इसी में आगे हम बता रहे हैं आपको, जैसे आइडेंटिटीज के बारे में आप लोग कहते हैं बहुत सारी आई कहां से हैं, तो देखिए बहुत आप परेशान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा, देखिए जैसे आपकी आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो देखिएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे एक्स प्लस बी, ए का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे एक्स प्लस बी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। इसी को थोड़ा सा अच्छा लगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर ए को एक्स कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही तो आइडेंटिटी आपको बताई गई है, ये एक आइडेंटिटी आपके सामने आ गई। ठीक है, ऐसे ही आइडेंटिटी आपको बताई गई जैसे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये भी इसी तरीके से आएगी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर। फाइनली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये आइडेंटिटी मिल गई, समझ आ रहा है। इसी तरीके से और आइडेंटिटी हम फाइंड कर लेंगे, जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई का होल क्यूब x माइनस वाई का होल क्यूब x प्लस, इससे पहले हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मैक्सिमम आइडेंटिटी आज बता चुका हूं। देखिएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी आ गई x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस वाई, वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई कैंसिल, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आ गई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा x प्लस वाई होल क्यूब, देखिएगा x प्लस वाई और x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x से इंटू करेंगे टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखिएगा अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखिए टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई थ्री एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर थ्री एक्स वाई स्क्वायर। अब आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहां पे क्या कॉमन ले लेंगे थ्री एक्स वाई, अंदर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, दिस इज द आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। स्टूडेंट्स आप इसी तरीके एक्स माइनस वाई का होल क्यूब भी फाइंड कर लेंगे। आज की वीडियो स्पेशली थोड़ा सा चैप्टर टू में ही था, आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर थ्री स्टार्ट हो जाए। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।